पहला फिल्टर है, इसे कहते हैं टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम। ये सिर्फ 12 लफ्ज़ हैं इंग्लिश के जो लिखने पड़ेंगे आपको, बाकी सारी बात उर्दू में ही है। टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, टूवर्ड्स किस्म के लोग वो लोग हैं जिन्हें हम गोल ओरिएंटेड कहते हैं, जो किसी मकसद के हसूल के लिए काम करते हैं। इनके जहन में हमेशा खास मंजिल होती है, ये कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझे मिलेगा क्या। कुछ भी करें तो इनके जहन में होगा कि इसके करने के नतीजे में मैं हासिल क्या करूंगा। टूवर्ड्स पर्सन, अवे फ्रॉम इसका उलट, ये काम ये भी करते हैं मगर ये काम कुछ हासिल करने के लिए नहीं, ये लोग किसी तकलीफ किसी परेशानी से बचने के लिए काम करते हैं। इबादत को ले लें, आप में से कुछ लोग जन्नत के हसूल के लिए इबादत करते हैं, टूवर्ड्स। कुछ लोग जहन्नम से बचने के लिए इबादत करते हैं, अवे फ्रॉम। कुछ अल्लाह की रजा के लिए, कुछ अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम। समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी चीज को साइकोलॉजी की जुबान में नफ्सियात की जुबान में इसे पेन एंड प्लेजर थ्योरी कहा जाता है, तकलीफ और खुशी। मैनेजमेंट जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, एमबीए जो लोग कर रहे हैं, वहां ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, स्टिक एंड कैरेट थ्योरी। किसी जगह पर डंडा दिखाना पड़ता है कि मार पड़ेगी, किसी जगह पर उसे गाजर इनाम दिखाया जाता है कि अभी अगर ये करोगे तो ये मिलेगा। पेन एंड प्लेजर थ्योरी, स्टिक एंड कैरेट थ्योरी या टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम पीपल, ये दो तरह के लोग हैं। अब हम इसे पहली सूरत से स्टार्ट कर लेते हैं, सूरह फातिहा से, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। अब देखें कि जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, ये क्या है? उन लोगों जैसा करना जिन पर इनाम नाजल किया गया, टूवर्ड्स। साथ ही वगैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ये क्या है? जो अल्लाह ताला जो बात हम तक पहुंचा रहे हैं वो दोनों तरह के फिल्टर्स, दोनों को एड्रेस किया गया कि नहीं? जिन लोगों ने गजब से डर के करना है उन्हें भी कह दिया गया, और जिन्होंने इनाम के साथ करना है उन्हें भी कह दिया गया। अगर आप इसे आगे चलते जाएं तो आपको कई जगह पर नजर आएगा जहां बताया जाता है आपको कि ये करो ताकि ये मिले, और कहीं जब बताया जाता है कि अगर तुमने ये ना किया तो इस रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, इस अंजाम का सामना करना पड़ेगा, इस सजा का सामना करना पड़ेगा, इस अजाब का सामना करना पड़ेगा। और किसी जगह पर अजाब बताए जाते हैं और किसी जगह पर इनाम बताए जाते हैं, ऐसा ही है जी सर। इसमें ये कि सूर वाली सूरत में जब वो चीज़ हासिल हो गई दूसरी सूरत में खुद बहुत हासिल नहीं होगी, जिन पर इनाम हो गया तो वो खुद बहुत दूसरी चीज़ से बच गए, बिल्कुल दूसरे की जरूरत तो शायद 100% ऐसे है। लेकिन ड्राइविंग फोर्स, मिसाल के तौर पे आप भी वर्जिश करते हैं, मैं भी वर्जिश करता हूँ, अब लेकिन हमें वर्जिश करने के लिए उठाने के लिए अंदर से एक जज्बा चाहिए, वो क्या है? आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं कि यार बीमारियों वाली ज़िंदगी मज़े की नहीं है, बीमारियों से बचने के लिए मैंने सुबह वर्जिश किया करनी है। आप जब वर्जिश करने के लिए निकले तो आपको बिस्तर से किस चीज़ ने उठाया? बीमारी के खौफ ने। मैं सुबह उठा, मैंने कहा आरिफ सिद्दीकी सेहतमंद रहना फिट रहना, इसमें एनर्जी मिलती है, बंदा अच्छा लगता है, मैं सेहत के लिए निकलता हूँ, मैंने भी वर्जिश की, मगर मुझे बिस्तर से उठाने में फोर्स किस चीज़ ने की सेहत के लिए? जब मैंने अपने शुरू में कैरियर का आगाज़ किया तो मैंने स्लिमिंग सेंटर बनाए 6, जहाँ मैं वज़न कम करने के तरीके एक्सरसाइज बताता था। तो जो पहली क्लास होती थी उसमें सिर्फ गपशप होती थी, मैं लोगों से पूछता कि आप वज़न क्यों कम करना चाहते हैं, अपना तारफ़ करवाएँ और बताएँ कि आप वज़न क्यों कम करना चाहते हैं। अब लोग आए, मैंने आपसे पूछा कि आप वज़न क्यों कम करना चाहते हैं, आपका वज़न कितना है? आपने कहा जी 80 किलो। मैंने कहा वज़न क्यों कम करना चाहते हैं? आपने कहा मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरे घुटने दर्द कर रहे थे, डॉक्टर ने चेक करवाया, उसने कहा तुम्हें वो शुगर हो जाएगी, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ओ भाई हार्ट अटैक हो जाएगा, वज़न कम करो, सुबह सुबह जाके वॉक किया करो, वज़न कम करो मारे जाओगे, 10 किलो वज़न कम करो। अब आपका वज़न रातों रात 80 किलो नहीं हो गया था, क्या आप रात को सोए तो 60 किलो के थे, सुबह उठे तो 80 किलो के थे? 60 से 80 तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा, मगर आपको किसी ने डराया नहीं, आप मेरे पास भी नहीं आए। एक दिन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा भाई मारे जाओगे, आप घर नहीं गए मेरे पास, आगे बाजी मेरा वज़न कम करो। आपको जो चीज़ हरकत में लेके आई वो खौफ था। दूसरे आदमी से पूछा भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं?
सर मैं फिट रहना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हर जगह आसानी से हरकत कर सकूँ, मुझे फिट रहना है। उसे फिटनेस लेके आई, आपको प्रॉब्लम लेके आई। तो ये ड्राइविंग फोर्स है, मंजिल एक ही है मगर फोर्स का फ़र्क है, उसकी हम बात कर रहे हैं। टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, घर में आ जाएं, बच्चे आपकी बात मानते हैं, बाज़ूकात नहीं मानते हैं, फिर आप कहते हैं बच्चे या बच्चों से कौन बहस करे। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या हम बच्चे को उस तरह से समझा पा रहे हैं जैसे समझाना चाहिए। आपकी क्लास के बच्चे भी आपके उसी तरह बच्चे हैं जैसे घर वाले बच्चे हैं, उन्हें समझ लें या घर वाले बच्चे को समझ लें। हमारे समझने के और समझाने के अंदाज़ में फ़र्क यूँ आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर बच्चा टूवर्ड्स पर्सन है, गोल ओरिएंटेड कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, आप अवे फ्रॉम है। आप कहते हो भाई अगर पढ़ोगे नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ोगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ोगे नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी, पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं होगा। आप उसे डरा रहे हैं, बच्चा टूवर्ड्स पर्सन है, क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि आपने पेट्रोल से ही नहीं डाला। आपको उसे क्या कहना होगा, बोले माइक पकड़े जोर से बोले जी, बोले बोले फिक्रे क्या कहेंगे उसे, इनाम दे देंगे। दूसरा ये कि जो फिक्रे अपने नफी में बोले थे उन्हीं फिक्रों को मुस्बत कर दें। अगर पढ़ोगे तो बेहतरीन कॉलेज इदारे में दाखिला मिलेगा, पढ़ोगे तो बेहतरीन जॉब मिलेगी, पढ़ोगे तो सोसाइटी में इज्जत होगी। जिन चीज़ों को आप मनफी सेंस में कह रहे थे उसे मुस्बत सेंस में कहना शुरू कर दें आप, ये टू वर्ड्स हो जाएगा। आप बाजार जाते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए, कुछ लोग उसके बेनिफिट्स पूछते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और कुछ लोग ख़राब तो नहीं हो जाएगा। गाड़ी लेने जाते हैं कुछ लोग पूछते हैं पेट्रोल तो नहीं ज़्यादा खाती, अच्छा पेट्रोल का मसला है, अब फ़र्क है पूछने में। एक कहता है गाड़ी पेट्रोल तो नहीं ज़्यादा लेती, दूसरा कहता है कि इसकी पेट्रोल की एवरेज कितनी है। एक डर के बात कर रहा है, एक इंक्वायरी और तरीके से कर रहा है। एक कहता है यार इसमें एक्सीडेंट की सूरत में बंदा बच जाएगा, वो एयरबैग्स लगे हैं कि नहीं लगे, और दूसरा कहता है कि इसमें सेफ्टी के मेजर्स क्या हैं। एक एक्सीडेंट के हवाले से बात कर रहा है और एक सेफ्टी के हवाले से बात कर रहा है। वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो उनके सोचने का अंदाज बताता है कि वो टूवर्ड्स पर्सन है कि अवे पर्सन है। अब जिस तरह का आदमी हो आपको उससे उस अंदाज में बात करनी होगी। कैसे करनी है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले हम ये फिल्टर्स डिस्कस कर लें।